हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग फिजिक्स का थ्योरी समझने में जो डिफिकल्टी होता है उसे दूर करेंगे आज लेक्चर नंबर थर्टीन में हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड एस यूनिट ऑफ टर्क टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टर्क ठीक सो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल So, we are interested to find the electric field intensity at any point due to electric dipole. So, electric dipole means two equal and opposite charges separated by a small distance form an electric dipole. So, this is one charge, this is another charge, this charge is minus Q, this charge is plus Q. So, center to center distance. This distance is 2L. We call this distance as डायपोल लेंथ ठीक है सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज दिस इज नेगेटिव चार्ज दिस इज पॉजिटिव चार्ज सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन दिस इज पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट

ज्वाइन करेंगे ये हो गया दिस इज स्ट्रेट लाइन ठीक है सो ओपी मैक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द डाइपोल से दिस एंगल इज थीटा ठीक है हम लोग को मालूम है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल so this is the axis of the electric dipole so when we extend this in this direction so this line becomes the axial line of the electric dipole similarly any line which is perpendicular to the axial line and passes through the center of the dipole is called equatorial line so the line which is perpendicular to this axial line and passes through the center of the dipole is called equatorial line. So, this line is the equatorial line and this line is the axial line of the electric dipole. Now, our observation point, that means, where we are interested to find the electric field intensity is not present in axial line or it is not present in equatorial line. Then, how we will calculate the electric field intensity एट दिस पॉइंट ठीक है हम लोग को मालूम है सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हियर दिस इज माइनस क्यू दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज द एक्सियल लाइन द सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब P होता है एट दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल आर डिस्टेंस में रहता है एट दैट टाइम दिस और दैट इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है दैट और फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपल मोमेंट होता है ठीक है सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल वी नो दैट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ई इज्कवल टू टू पी बाय फोर पाई एफसेलंग जीरो आर क्यू ठीक है नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखो कि दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल से दिस माइनस क्यू चार्ज इज एट ए एंड प्लस क्यू चार्ज at B, but this line, this OP line, OP line is not on the axial line of the dipole. अभी हम लोग क्या करेंगे? Suppose हम लोग ये position of the electric dipole को shift करेंगे, rotate करेंगे। कैसा? Suppose ये B charge, वो charge at B, इसको इधर rotate करेंगे और इसको यहाँ shift करके पहुँच जब इसको रोटेट करके यहां पहुंचाएंगे तो दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन देन ये बी कम होगा दिस विल कम हियर दिस विल गो हियर सो बी का पोजिशन चेंज हो रहा है बी टू ए हो गया सपोज बी वन ए चेंजेस होकर यहां हो गया ए वन डेपर ए वन बी वन डाइपोल के लिए दि पोजिश द पोजिशन ऑफ द डायपोल ए बी का भी पोजिशन चेंज होके के ए वन बी एन हो गया तो ए वन बी वन डाइपोल के लिए हम लोग का ओ पी लाइन इज द आक्सियर लाइन ठीक है ओके okay. अभी देखेंगे कि हम लोग का क्या होता है दिस इज द पी वेक्टर ठीक है दिस पी वैक्टर एंड दिस इज द ओ पी लाइन दैट मीन्स दिस पॉइंट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोग का सेंटर से आर डिस्टेंस में है सो द डाइपोल ए इज द डाइपोल एंड द डाइपोल मोमेंट इज पी वेक्टर सो पी वेक्टर अलोंग द लाइन वेक्टर अलोंग द एलोंग लाइन क्या होगा इसको हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे सो so, रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा दी पी वेक्टर अलॉन्ग दी ओपी लाइन होगा पी थीटा ठीक है मतलब ये पी थीटा व्हाट इज पी दी दग्निच्यूड ऑफ पी वेक्टर ठीक है सो पी थीटा इज दी एक्सियल लाइन ऑफ दी दी पी थीटा इज एलॉन्ग ओपी सो नाउ सी दैट

Electric field intensity at P will be 2P cos theta divided by 4 pi epsilon 0 RQ. Theke? So that E1 vector, this E1 vector will act in this direction and it will become E1 is equal to 2p cos theta by 4 pi epsilon 0. आर क्यू होगा ठीक है ओके अभी क्या करेंगे विल दिस इज द पी थीटा इज द पर्ल कंपोनेंट ऑफ ए बी द पी थीटा इज द पर्लाल कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर नाउ विल रिजर्व दिस पी फॉर परपेंडुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट मीन्स दिस पोजिशन ऑफ ए बी डाइपोल विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ओ पी लाइन नाउ अभी क्या करेंगे इसको तो इधर शिफ्ट करेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे सच दैट दिस न्यू पोजिशन ऑफ ए बी विल बी परपेंडिकुलर टू दी ओ पी लाइन ठीक है अभी क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ न्यू पोजीशन होगा ए का ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा तो ये होगा यहाँ ए सो नाउ सेकेंड पोजिशन इज दिस बी पोजिशन हियर दैट इज बी टू ए पोजिशन इज हियर ए टू एंड दिस इज द पोजीशन देन दिस ए टू बी टू मैक्स 90 डिग्री विद द ओपी लाइन सो ए टू बी टू बिकम्स परपेंडिकुलर टू ओ पी लाइन ठीक है ओके अभी क्या करेंगे पी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे रिजोल्यूशन सो so, इधर होता है पी कॉस्थीटा सो ए टू बी टू पोजिशन ऑफ दी इलेक्ट्रिक डाइपल बिकम हो यह होगा पी साइन थीटा ये वाला होगा थीठा ठीक है ओके okay. अभी देखो हम लोग को मालूम है दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल विथ ये माइनस क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज दिस दैट इज़ ट्वेल्व एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है तो so, इसलिए यहाँ से इधर डायरेक्ट होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी ठीक है एंड ओ होगा सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड एनी लाइन हुई स्टिच परपेंडिकुलर टू द एक्शियल लाइन एंड पर्सेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज कॉल इक्वेटोरियल लाइन सो ये होगा इक्वेटोरियल लाइन उस टाइम में व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट द टाइम Uh, and this point of observation is suppose at a distance r from the center of the dipole at that time we are finding we are getting electric field intensity e is equal to p by 4 pi epsilon 0 r cube ठीक है जब ये हम लोग का इक्वेटोरियल लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एंड हियर डायपोल मोमेंट इज पी एट द टाइम इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी इन दिस पॉइंट बिकम्स पी बाय फोर फाइव संग जीरो आर क्यू बट हियर सी दिस इज बिकम इक्वेटोरियल लाइन फॉर द पोजिशन ऑफ डाइपल ए टू बी टू ठीक है बट ए टू बी टू पोजिशन के लिए OP becomes equatorial line. So, here the P sine theta, so P sine theta is along A to B2. So, for P sine theta, OP is the equatorial line. Therefore, electric field intensity at P becomes P sine theta by 4 pi epsilon zero r cube. This is for this equation is applicable for A to B two position of the electric dipole. Now this is A to B two position. This is equatorial line. Then this E two vector E two vector will act in this direction. E two vector will act in this direction, and this becomes equal to पी साइंथीटा बाय फोर बाई एफ सेलन जीरो आर क्यू ठीक है अभी डेरिवेशन देखेंगे सो so, अभी डेरिवेशन देखेंगे ठीक है लेट एबी इज कल टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P वेक्टर एलन ए बी एलन ए बी आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल This r is the distance of this observation point from the center of the dipole. Let theta, the line OP, max with the axis of the dipole. This theta OP, this OP line, max with the axis of the dipole. P is the magnitude of the P vector. Now we resolve this electric dipole moment into two components. वन पर्लाल कॉम्पोनेंट एंड सेकेंड वन इज फॉर पेंटिकुलर कॉम्पोनेंट फॉर पर्लाल कॉम्पोनेंट दिस बिकम्स पी कॉस्थिटा सो दिस पीस पी कॉस्थिटा सो इट बिकम्स पी इज द पी इज ऑन एक्शियल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पी कॉस्थिटा ठीक है पी इज ऑन एक्शियल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पी कॉस्थिटा दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ए वन बी वन सी हियर ab is the dipole and a1 b1 position of the dipole is a1 b1 and our electric dipole moment is p cos theta this is in this direction therefore for a1 b1 position this op line becomes the axial line and this observation point is in the axial line okay so electric field intensity at p due to a1 b1

हियर पी इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पी साइंथिटा और ए टू बी टू सी हियर दिस इज ए टू दिस इज बी टू फॉर ए टू बी टू दी साइंथिटा इज़ द डाइपल मोमेंट सो फॉर ए टू बी टू पोजिशन दिस ओपी लाइन इज द इक्वटोरियल लाइन एंड दिस पॉइंट विल ऑन इक्वटोरियल लाइन फॉर A to B2 position, this line is the equatorial line. Okay, so electric field intensity at P due to A to B2 is equal to E2. Okay, so electric field intensity E2 is equal to P sine theta by 4 pi epsilon 0 r q, and it is acting along PC. This is A to B2 and dipole moment.

इज कैलकुलेटेड रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन ई वन एंड ई टू इज ई सो ई इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई वन इज टू पी कॉस थीटा बाय फोर पाई एफसेलन जीरो आर क्यू वैल्यू ऑफ ई टू इजक्वल टू पी साइन थीटा बाय फोर फाइव एफसेलन जीरो आर क्यू इसका वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा पी बाय फोर पाए एफ सन जीरो आरक्यू स्क्वायर रूट ऑफ फोर को स्क्वायर थीटा प्लस सें स्क्वायर थीटा है फोर को स्क्वायर थीटा को थ्री को स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा लिखो ठीक है ओके देन हम लोग को मालूम है इन ट्रिगोमेट्री सेंसक्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इजक्वल टू वन सो इन प्लेस ऑफ दिस राइट हियर वन सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट ई इक्वल टू पी बाय फोर पाए एफ जीरो आर क्यू square root of 3 cos square theta plus 1 this is the magnitude form of resultant electric field okay now we will find the direction of electric field see here in this figure this is the op line for a1 b1 position this op line becomes the axial line of the dipole for a2 b2 position this OP line becomes the equatorial line of the electric dipole. Thikhe? Therefore, making OP line as the reference line we will make name this angle as alpha. Thikhe? So 10 alpha tan alpha is equal to FD by PD. So FD is equal to this. FD is equal to this magnitude of P two.

स्पेशल केसेस हम लोग देखेंगे फर्स्ट व्हेन द पी दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन लाइन ऑफ द डाइपोल एट दैट टाइम थीटा बिकम्स जीरो व्हेन थीटा बिकम्स जीरो कॉस जीरो बिकम्स वन ठीक है देयर फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा विल गेट इ वैक्टर इज इजक्वल टू दैट इज इ मैग्निच्यूड ऑफ ई वैक्टर इज इ इक्वल टू पी बाय फोर पाई एफसंग जीरो आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री कॉस्क्वायर थीटा प्लस वन सो इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा रईट वन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट इजकल टू टू पी बाय फोर फाइव एफसांग जीरो आर क्यू ठीक है ओके सो टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो बिकॉज टेन आल्फा इजक्ल टू हाफ टेन थीटा सो थीटा इज जीरो मीन्स मीन्स

सो इन प्लेस ऑफ कॉस्ट थीटा पुट जीरोन यू विल बी पी बाय फोर फाइव एफ संग जीरो आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मल्टीप्लाई विरो प्लस वन आफ्टर सलविंग विल गेट ई इजक्ल टू पी बाय फोर फाइव एफ संग जीरो आर क्यू ठीक है ओके सो नाउ टेन अल्फा इजक्वल टू हाफ टेन नाइंटी डिग्री बिकॉज थीटा इज नाइन्टी डिग्री सो टेन नाइन्टी डिग्री इज इन्फिनेटिव

इलेक्ट्रिक डायपोल इन इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है उसको देखेंगे ठीक है ओके सो इलेक्ट्रिक डायपोल सो इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट्स ऑफ फील्ड लाइन्स हुई आर पैरलाल एंड दे आर इन इक्वल स्पेसिंग सो दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हुई आर पैरलाल टू इच अदर एंड दे आर एट इक्वल स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग में है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ई वैक्टर ठीक है दिज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ठीक है ओके अभी क्या करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ये इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे Electric dipole means two equal and opposite charges separated by a small distance. So, two equal and opposite charges. This is minus Q charge. This is plus Q charge. These two charges separated by a small distance. The distance between the two charges is, say, 2L. Okay? So, this is the दिस टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड विथ स्मॉल डिस्टेंस ट्वेल फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है सो डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज दिस इज नेगेटिव चार्ज दिस इज पॉजिटिव चार्ज सो डायपोल मोमेंट पी इज इन दिस डायरेक्शन ठीक है ओके नाव द डायरेक्शन ऑफ डायपल मोमेंट पी

प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज पॉजिटिव चार्ज सोर्स सो फॉर पॉजिटिव चार्ज सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड आउटवर सो दीज आर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है ओके अभी देखो से दिस सो से प्लस क्यू चार्ज इज एट ए एंड माइनस क्यू चार्ज इज एट बी ठीक है अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज सौ से ये प्लस क्यू चार्ज है सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज दिस इज पॉजिटिव चार्ज सो देर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिकॉज सेम टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज देर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन सो दे फोर्स डेवलप एट ए विल भी

नेगेटिव चार्ज बोथ आर डिसिमिलर चार्ज सो देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देर दिस फोर्स विल डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन ठीक है सो दिस इज द फोर्स सो दिस फोर्स इज द फोर्स डेवलप्ड एट बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट एट बी मल्टीप्लाई विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी चार्ज प्रेजेंट एट बी कितना है माइनस क्यू an electric field at b is e vector so the force f vector is equal to minus q e vector this force and this force are equal in magnitude opposite in direction see this is acting left to right this is acting right to left so they are equal in magnitude opposite in direction and they are acting into different point this force is acting at a this force is acting at b so दे form a couple ठीक है अभी क्या करेंगे यहां से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे देन दिस लाइन बिकम्स द आर्म ऑफ द कपुल ठीक है अभी चलो हम लोग डेरिवेशन देखेंगे ओके ओके सो लेट एबी रिप्रेजेंट द डाइपल विथ Plus Q charge at A and minus Q charge at B. Thicke? 12 is the length of the electric dipole or that, that is called dipole length. Thicke? Consider this dipole be placed in an electric field E vector such that the dipole moment makes an angle theta with the direction of the electric field intensity as shown in the figure. See, this is the dipole moment E direction. This makes an angle theta with the electric field lines direction of the electric field lines okay? now see the force acting on charge plus q at a is equal to charge at a multiply with electric field at a that is plus Q e and this force is acting along the direction of electric field e vector and due to repulsive force ok. okay. Now the force acting on minus Q charge at B equal to charge at B multiply with electric field at B. So charge at P minus Q hai, electric field at B E vector hai. So force at B is equal to minus Q E vector that is acting opposite to electric field intensity. Electric field is acting in this direction that means left to right this force is acting right to left so opposite to electric field vector this e vector is e, that electric field is uniform therefore the magnitude of f at a and the magnitude of f at b are equal in magnitude and they are acting in opposite direction therefore net force on the electric dipole becomes zero so net force डायपोल इक्वल टू प्लस क्यू वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो दर इक्वल एंड पैरल आज सोन इन दिगर सी हिस्ट दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट दिस इज राइट टू लेफ्ट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीच्यूड एन अपोजिट डायरेक्शन सो Like acting this. Therefore, there is a torque in this direction here and in this direction here. So at the point A, this torque is acting in this direction. At point B, the torque is acting in this direction. Th okay? So perpendicular distance between the forces, the perpendicular distance between the forces is this, this is the force acting here this force is acting here so perpendicular distance so draw perpendicular from this point then it will touch at c so this is the this is the perpendicular distance that is sc this sc is called arm of the couple so torque is equal to force into arm of the couple force is magnitude of plus qe each magnitude of plus qe vector is qe magnitude of minus qe vector is qe so माइक्च्यूड ऑफ फोर्स इज क्यू ई आर्म ऑफ द कपुल दैट इज द लेंथ सो फ्रॉम ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी ट्रेंगल दिस सी एंगल इज 90 डिग्री सो साइन साइंथिटा बिकम्स ए सी बाय ए बी ए बी कितना है ट्वेल्व है हमको मालूम है देर फॉर ए सी इज्कल टू ए बी साइन थीटा दैट इज ट्वेल्व साइन थीटा ठीक है टर्क इज्क्ल टू नाउ क्यू ई इंटू ए सी का वैल्यू ट्वेल्व साइंथीटा हो गया सो टाव बिकम्स क्यू टाइम्स ट्वेल्व इंटू ई साइंथीटा हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रिक डेपल मोवमेंट पी इजक्ल टू क्यू टाइम्स ट्वेल्व दे आर फॉर पुटिंग दैट वैल्यू वी गेट टाव इजल टू पी ई साइंथीटा दिस इज द मांग इंस्ट्यूट फॉर्म ऑफ दर्क सो इन भैक्टर फॉर्म विल राइट टाव वैक्टर इज्कवल टू पी वैक्टर इंटू पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर ठीक है so the vectors tau vector p vector e vectors are shown in the figure this e vector represents the electric field lines this p vector represents the electric dipole moment then torque developed is the this is the tau vector so the direction of tau vector is given by the right hand screw rule and is perpendicular to p vector and e vector it is into the plane of paper perpendicular to plane कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर ठीक है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डैस सो टर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल टू टाव वैक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ठीक है और एक क्वेश्चन आया था डिफाइन टॉर्क व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेड इन एन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ टर्क अभी देखेंगे हम लोग इसका एस आई यूनिट कैसा कैलकुलेशन करते हैं सो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपूल आर्म ऑफ कपूल मींस इट इज लेंथ सो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर सो टॉर्क इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर ठीक है ओके अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क निकालेंगे ठीक है वी नो टर्क इज कल टू फोर्स इंटू लेंथ ऑफ दी आर्म ऑफ कपुल सो लेंथ ऑफ आर्म ऑफ कपूल इज सिंपली लेंथ सो टर्क इज कल टू फोर्स इंटू लेंथ डायमेन्शन ऑफ फोर्स एफ इज एम एल टी इन्वर्स टू ठीक है सो डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल सो डायमेंशन ऑफ टर्क विल बिकम डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई विथ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वील गेट एम एल टू टी इन्वर्स टू बिकॉज डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी इनवर्स टू डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट डायमेंशन ऑफ टर्क इजकल टू एम टू द पावर वन एल टू द पावर टू टी टू पावर माइनस टू ठीक है अभी स्पेशल केस देखेंगे सो फर्स्ट वेन द पी वैक्टर इज पैरल टू ई वैक्टर पी वैक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक डायपल मोमेंट इट इज ऑलरे डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज So this is the p vector, and electric field is also from left hand side to right hand side. So both these two vectors are parallel. That means angle is zero. So tau is equal to p sine theta. So sine zero is zero. That means torque is zero. So no torque acts on the dipole when the dipole moment p vector parallel to e vector. That is. डायपल मोमेंट पी वेक्टर इज अलॉन्ग ई वेक्टर वैक्टर एट द टाइम द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोलिकल स्टेबल इक्विबरियम पोजिशन क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विब्रियम पोजिशन ठीक है ओके okay. अभी देखेंगे व्हेन द पी वेक्टर इज एंटी पारल टू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड एंड डायपल मोमेंट पी वैक्टर इज फ्रॉम Right side to left side. That means, see, now here it is negative charge. Now, this is the positive charge. So, it is directed always from negative charge to positive charge. So, in this direction. Okay? So, electric dipole moment is acting from right hand side to left hand side. Electric field vector is acting from left hand side to right hand side. Therefore, they are anti parallel. That means they are parallel but opposite in direction. So, angle is theta is 180 degree. So, tau is equal to p sine theta, theta is 180 degree. So, sine 180 degree is 0. So, torque is equal to 0. That means, here also no torque acts on the dipole. And this position of electric dipole is called unstable equilibrium position because here the electric dipole moment p vector is parallel with electric field intensity vector but acting in opposite direction. ठीक है ओके व्न पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर पी वेक्टर दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज सो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड सो नाउ दिस पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ई वैक्टर देरफर थीटा इज नाइन्टी डिग्री सो पी ई इन नाइनटी डिग्री साइन नाइनटी इज वन सो पी torque is equal to P. This is the maximum value of the torque. Hence maximum torque acts on the dipole. The maximum torque will act on the dipole when the dipole is perpendicular to the direction of the electric field. Now we will see when P vector makes an angle 30 degree with E. See this is the P vector acting in this direction. This is the direction of electric field intensity. दिस इज थर्टी डिग्री दिस एंगल इज थर्टी डिग्री सो टाव इज टू पी साइन थर्टी साइन थर्टी हाफ होता है सो टाव इज़ टू हाफ पी सो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्क आर्ट्स ऑन द डाइपोल हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था वन क्वेश्चन आया था इन साइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट फोर्स इज डैश इन साइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों कैंसिल हो जाता है नाउ वन मोर क्वेश्चन आया था इन हुई ओरिएंटेशन ए डायपोल प्लेस इन ए न्यूफॉर्म इलेक्ट फील्ड इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन में क्या होता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज पैरलाल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्टर एंड दे आर एक्टिंग इन बोथ बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन एंड अनस्टेबल इक्लोर कंडीशन में क्या होता है

एंड वैन एन डायपोल इज प्लेसड इन एन यूनफॉम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग कैलकुलेसन किए वैन थीटाइज नाइन्टी डिग्री ठीक है उसके बाद और एक बड़े एग्जाम में आया था क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डाइपल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थर्टी डिग्री टू एन नॉन यूनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपल विल एक्सपीरियंस डैश वैन इलेक्ट्रिक डाइपल इज प्लेस्ड विथ सम एंगल इन एन नॉन यूनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Then it experiences a torque as well as force. We'll see now. Okay, take Now note two note: the when electric dipole is placed in a uniform electric field. So electric field is acting from left hand side to right hand side. This is the direction of electric field. Now the electric dipole moment is acting from negative charge to positive charge. So in this direction. That means both the direction of electric field intensity and the direction of electric dipole moment are in same direction. Okay. So net force here is zero because qe minus q is equal to zero. Torque is also zero because they are parallel. They are acting in same direction. So angle is zero. So p sine zero. That is sine zero is zero. So टू जीरो नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो सकता है ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एलॉन्ग दी पी वैक्टर सो लोग का डाइपल मोमेंट का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट हियर इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज सो इट इज इन दिस डायरेक्शन नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज स्ट्रॉन्ग and electric field at a is weak so f at b will be greater than the f at a because electric field at b is strong and electric field at a is weak so force developed at b is greater than the force developed at a therefore the net force is acting along the electric field direction that means along e vector and टर्क इज जीरो बिकॉज इन दिस केस ऑल्सो direction of e vector and direction of p vector are same ठीक है अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एलॉन्ग पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो Left hand side to right hand side because it is always negative charge to positive charge. Here negative charge is left side, positive charge is right side. So in this direction. So both are in same direction. But electric field is decreasing. So electric field at A is strong and electric field at B is weak. So the force developed at A is greater than the force developed at B. Therefore, the net force is opposite to the electric field intensity vector E because your force developed at A is greater than the force developed at B. So, net forces will act in this direction, right to left. So, electric field is acting left to right. So, net force is opposite to E vector. नेट net torque जीरो बिकॉज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई e एंड पी p vector are parallel ठीक है okay. ओके okay. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्वेश्चन आया था डॉज ए डाइपोल एक्सपीरियंस एफ फोर्स वेट ए प्लेस्ड इन ए नॉन यूनफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आंसर है अभी यस इट एक्सपीरियंस ए फोर्स हम लोग इसका सब कांसर यहाँ अभी पढ़ लिए ठीक है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग